एक खबर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हो गया है। हमला तो हो गया है, लेकिन उसके पीछे फिर क्या हुआ हमला करने वालों के साथ, यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि आप आज आपको बताएंगे कि जहां पर काला झंडा दिखाया गया लखनऊ से कौशाम्बी मंजनपुर में कार्यक्रम लगा हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसी वक्त कुछ उपद्रवी, कुछ द्रविड़ मानसिकता के लोग, कुछ घृणित मानसिकता के लोग, कुछ अंधभक्त, कुछ चाटुकार और कुछ टुच मानसिकता वाले लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, उसकी कहानी हम आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका इनका इतिहास बता दें कि जितने लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया है उनकी लत्तम जत्तम जरूर हुई है। चाहे ये संत राजूदास रहे हो, इनको स्टूडियो में कूटा है समर्थकों ने, इनका भरता भुजिया सब कुछ बना दिया, इनका जैसे भरता नहीं होता वैसे मसल दिया। ये नेतागिरी कर रहे थे, इनका समर्थकों ने ऐसी कुटाई की कि ये दोबारा अब हमला तो नहीं करेंगे, मुंह से कुछ भी बोल लें लेकिन हमला नहीं करेंगे। देखिए नेता है, बयानबाजी करो, लेकिन जब जूते लात जूते मारने पर उतारू हो जाओगे तो जूता खाने के लिए भी तैयार रहिए। ये एक सच्ची बात है, आप मुंह से बोल रहे हो, जबान से बोल रहे हो, बोलिए ठीक है, लेकिन जब आप लड़ाई दंगे पर उतारू हो गए तो अगर स्वामी को मारने आओगे तो स्वामी के लोग भी तुम्हें ऐसे ही कूट देंगे। दूसरा हुआ था, इनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी गई थी, लखनऊ में एक कार्यक्रम था वहां पर आपने देखा था किस तरीके से इसका लीड निकाल लिया गया था। इतने जूते लात पड़े, इतने बेल्टों से मारा, जूतों से मारा कि इसको सपने में स्वामी प्रसाद मौर्य के सपने आते होंगे कि भैया सब कुछ कर लेना, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों से मत भिड़ना, स्वामी प्रसाद मौर्य के आसपास नहीं जाना है। तीसरा भी कौशाम्बी से आया है, कौशाम्बी में भी मतलब दिखाने के लिए काला झंडा, भैया कि जो होता नहीं कि मतलब अपने आकाओं को खुश करने के लिए, नेताओं को खुश करने के लिए कि हमने जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ एक विशेष जाति वर्ग के लोगों ने इनके ऊपर टारगेट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा है अपने बयान में, जब इनके ऊपर हमला हुआ उसके बाद जब मंच पर गए तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि एक जाति के लोग जो हमला करने आए थे वो सिर्फ एक ही विशेष जाति के थे, उन्हीं ने इनके ऊपर, और उन्हीं में से सब उस जाति के सभी लोग नहीं, कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग जो जिनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेला यहां पर हुआ, भाई साहब चौड़ होकर घर से आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जब गाड़ियां निकल रही थी तो किसी ने ऐसा राड मारा ना इनके हाथ पे, इनकी नानी अम्मा दादी बप्पा सब याद आ गए इनको। अभी दोबारा किसी नेता के पास नहीं जाएंगे, मतलब उसके ऊपर झंडा दिखाने, काला झंडा फ्लैग दिखाने नहीं जाएंगे। इनकी अम्मा ये वीडियो देखेंगी ना तो सोचेंगी बेटा बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हो, जूता लात खा के आ रहे हो, अच्छी नेतागिरी कर रहे हो, अबे साले बेशर्म हो, थोड़ा सा शर्म कर लेते। अरे काला झंडा दिखाना, दूर से दिखाना, जूते लात खाने गए थे क्या? मतलब गए थे वाहवाही लुटवाने और जूते लात खा के चले आए। किसी ने मारा ऐसा लात, उसके बाद कह रहा है बहुत तेज मारा, बहुत तेज मारा, दूसरा वाला उसके बगल में कह रहा है कोई बात नहीं, मार खाए हो ना, अब अच्छे नेता बन जाओगे। तो इन चीजों से सीख यही मिलती है कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य से भिड़ना है तो दूर से भिड़ना, बातों से लड़ना है तो बातों से लड़ना, अगर जूता लात पे आओगे, लाठी डंडों पे आओगे तो उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि स्वामी समर्थक है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप इस पर उतारू हो जाओगे ना तो समझते हो ना स्वामी के साथ कौन सा समाज लगा हुआ है, कितने समाज के लोग हैं। अगर जूते लात पर आओगे तो जूते लात करने के लिए भी उनके समर्थक तैयार है, ये चीज याद रखना। फिलहाल इससे यही सीख मिलती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भिड़ना है तो पहले समर्थकों से भिड़ना, उसके बाद आगे बढ़ना। तो मुझे लगा कि यह खबर आपको बतानी चाहिए, इसको इग्नोर कर दिया गया क्योंकि यह खबर चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमला के बाद काफिले में जब गाड़ियां निकल रही थी तो किसी गाड़ी के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करे, किसी ने तलाक से जड़ दिया। अब इसको जिसको पढ़ा है ना, इसको छठी का दूध याद आ गया होगा, दोबारा किसी नेता के पास नहीं जाएगा। अबे पढ़ने का समय, पढ़ लिख के बड़े बन जाओ, तब आगे बढ़ोगे, ऐसे नेतागिरी के चाटुकारिता करने से कोई नहीं होगा, नहीं ऐसे ही जूता लात खाते रहोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए, जय हिंद। और वीडियो को शेयर कर देना सबको, सबके पास पहुंचना चाहिए यार।